अरे भाई तुम मेरा थोड़ा जल्दी चल सकते हो? नहीं मतलब इतने मुश्किल से अपने को एक टिकट मिली है और हमने हेलीकॉप्टर बुक कराया है गाइस, समझ रहे हो? अपने को अब मालदीव जाना है ना, तो अब हेलीकॉप्टर से ही जाना पड़ेगा। वेल थोड़ा सा तो महंगा पड़ा है बट अब क्या कर सकते हैं। वेल जल्दी से अंदर चलते हैं और अपनी हेलीकॉप्टर पे बैठते हैं। अरे भाई जल्दी चलो जल्दी चलो, वो रही अपनी गाड़ी, यहाँ पे बैठते हैं और आगे अपने को हेलीकॉप्टर मिलेगी, उससे आगे निकलना है। हां मास्टर हम फाइनली मालदीव जाने वाले हैं। अरे बैठ तभी जाएंगे अपन, और कैसे जाएंगे। अरे वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि असली में मालदीव जाने वाले हैं। अरे भाई चौप विश्वास नहीं हो रहा तो रुक जा, अपन दोनों घूम के आते हैं। और मास्टर आपने चेक तो किया था ना कि निर्मा हमें वही मिलेगी? अरे हाँ वही खड़ी है सामने तो है। चौप अगर निर्मा तुझे नहीं मिली तो क्या करेगा? मैं मालदीव नहीं जाऊंगा, निर्मा के बिना मालदीव जाने का कोई मतलब नहीं है। अरे भाई तेरे को तेरी निर्मा मिल जाएगी ना, वो देख वो तो खड़ी है। अरे वाह हाय निर्मा, देखो हम आ गए। अरे भाई चलो। हेलो गुड मॉर्निंग सर, लेट्स गो, यू आर वेरी लेट सर, बट नो प्रॉब्लम, लेट्स गो। ओके ठीक है, चलो अपनी हेलीकॉप्टर पे बैठ के चलते हैं गाइस। अब मालदीव पहुंचना है तो हेलीकॉप्टर पे तो जाना ही पड़ेगा। मुझे थोड़ा सा डर लगता है। ठीक है चौप तो तू बता। अरे नहीं नहीं मास्टर, बाकी चलो सबको हैप्पी जर्नी, बेस्ट ऑफ लक। और गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। और अब अपन चलते हैं मालदीव की तरफ। मतलब काफी दिन हो गए गाइस, हम कब से कोशिश कर रहे हैं मालदीव जाने की, बट वही है ना, जा नहीं पा रहे, बट लगता है आज फाइनली वो दिन आ गया है। मास्टर कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? मुझे नहीं लगता कि गड़बड़ होगी, बट लेट्स सी। फ्यू मोमेंट्स लेटर, बाप रे इतने घंटों के लंबे सफर के बाद लगता है अपन फाइनली पहुंच गए। नहीं सर ये मालदीव नहीं है, ये मालदीव से पहले पड़ने वाला एक आइलैंड है, यहाँ पे हम आज रात को रेस्ट करेंगे और फिर हम कल सुबह निकलेंगे, और हमने आपके लिए एक ट्री हाउस भी बुक कर रखा है। वेल ठीक है, वेल ये तो पूरा आइलैंड जैसा ही लग रहा है मेरे को। मास्टर ये तो मालदीव का छोटा भाई निकला। अरे हाँ छोटे भाई, तू भी अभी बाहर निकल जा। सर वो रही आपकी गाड़ी और वहाँ पे आपको आपका ट्री हाउस दिखाई देगा, तो आप आराम से जाके अपने ट्री हाउस में आज रात का दिन गुजारिए और फिर कल सुबह होते ही हम मालदीव के लिए निकल जाएंगे। और आज रात को यहाँ पे एक बहुत ही आलिशान डीजे पार्टी है जो कि काफी फेमस है, तो आप चाहे तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। डीजे पार्टी हम जरूर जाएंगे। अरे भाई पहले एक बार चुपचाप जाके रेस्ट तो करने दे। ओके थैंक यू, हम लोग यहाँ से आगे चले जाएंगे, बाकी जो ट्री हाउस है उसे खोजने में दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे बिल्कुल नहीं सर बिल्कुल नहीं, और ये जो छोटा सा आइलैंड है ये सुबह सुबह बहुत खूबसूरत दिखता है, तो इसके भी सुबह मजे लेके जाइएगा ठीक है। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वेल चलो ओके, ये रही अपनी गाड़ी, इससे अपने को वहाँ चलना है अपने ट्री हाउस पे। गाइस बाकी अपना जो ये टूर गाइड है ना ये काफी अच्छा बंदा लग रहा है। ओ भाई जल्दी आके बैठो। अरिन भाई रात को तो ये थोड़ा डरावना लग रहा है। अरे भाई शिनचैन टेंशन, मतलब आइलैंड ऐसे ही होते हैं, मतलब देख आइलैंड में कैसा सीन रहता है ना कि यहाँ पे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत दूर दूर तक सैंड रहती है, बट ये आइलैंड कितना सुंदर है, यहाँ से एक बार व्यू तो देख भाई। सनसेट का टाइम हो रखा है और सनसेट पे सितारे दिख रहे हैं, ओ भाई ये काफी सुंदर लग रहा है। बाकी गाइस आपको भी सुंदर लग रहा है तो एक लाइक ठोको। अभी फिलहाल अपन इस आइलैंड में गाड़ी चला रहे हैं और आइलैंड में गाड़ी चलाने का भी मजा थोड़ा अलग लग रहा है गाइस, क्योंकि देखो ना ही रोड है ना ही गाड़ी, कुछ नहीं है, कैसे भी चलाओ कुछ भी करो कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे मैं बोलूंगा भैया जल्दी से ट्री हाउस ले जाओ, वहाँ से डीजे पार्टी में जाना है। हाँ चल भाई ट्री हाउस जाके अपन थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, फ्रेश होकर डीजे के लिए पार्टी में जाएंगे। ओ वेल ऑल राइट, लगता है यही अपना ट्री हाउस है। ओ भाई इधर आओ तुम दोनों। मास्टर ये तो बड़ा सुंदर है। अरे अभी तुमने अंदर से कहा देखो, ओ भाई साहब गाइस ये कोई पैराडाइज से कम नहीं है, कितना सुंदर है ये। मतलब आप लोग सोचो एक आइलैंड है, वो भी मतलब एक छोटा सा आइलैंड है, ज्यादा बड़ा नहीं, बट यहाँ पे कितना सुंदर है ये, और वो भी ये तो रात का समय है। भाई मैं दिन में ये कैसा दिखता होगा उसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके भाई यहाँ पे एक इतना अलग टाइप का एक बाथरूम है। और अगर अभी अपन ऊपर तो गए नहीं है, ऊपर चलते हैं। और गाइस मैंने इस सूटकेस में ना अच्छे खासे कपड़े डाल रखे हैं, तो ऊपर जाके ड्रेस वेस बदल कर आते हैं। बाकी एक बार ऊपर का तो देख ले, मतलब नीचे ही इन्होंने टीवी भी दे दिया है और यहाँ पे इतना बढ़िया सा किचन है। ऑल राइट ऊपर जाके देख लेते हैं एक बार, ऊपर भी कुछ सीन है क्या? ऑल राइट ओके, ओ भाई ऊपर में तो प्रॉपर एक लिविंग रूम जैसा। ओ भाई अब इधर देखो ये जगह है ना भाई साहब, क्या जगह है, यहाँ बैठ के आप खा सकते हो पी सकते हो, उसके बाद यहाँ पे बॉन फायर में भी कुछ पक रहा है। अरे भाई जल मत जाइयो, और फिर यहाँ से व्यू भी बहुत ही प्यारा है। और एक मिनट रुको, और क्या है ट्री हाउस पे, और कुछ तो है, रुक जाओ। ओ भाई एक और फ्लोर है, व्हाट कितना बड़ा ट्री हाउस है ये, इतना बड़ा ट्री हाउस मैंने नहीं देखा भाई। ऑल राइट नॉट बैड, मतलब ये भी सही लग रहा है मेरे को। और यहाँ से ये देखो एक विंडो है जो कि ओ भाई इस विंडो के चलते कितना सुंदर लग रहा है गाइस। जल्दी से चेंज करके अपन डीजे वाले पार्टी में चलते हैं, मतलब पार्टी मिस नहीं करना है भाई, अब एक बार ही तो आ सकते हैं अपन, फटाक से चेंज करके निकलते हैं यहाँ से। गाइस अपन हो चुके हैं रेडी, मतलब पार्टी के लिए और क्या पहनना है। अरिन भाई आप तो हमेशा की तरह बेकार लग रही हो।
अरे यार हट तो भाई, चल बाहर चलते हैं। अब यहाँ से सीधा सीधा चलेंगे पार्टी पे। मास्टर और कितने दूर होगा? अरे भाई अभी तो निकले, अभी थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना। बस पार्टी मिस तो नहीं होगी ना। अरे भाई तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पार्टी कैसे मिस हो जाएगी। ओ भाई लगता है अपन पहुँच चुके अपनी पार्टी में। अरे वाह मास्टर, यहाँ तो पार्टी हो रही है भाई, पार्टी हो रही है। पार्टी नहीं हो रही है भाई, यहाँ पे पार्टी हो रही है। ओ भाई गाने वाने की तो आवाज फुल आ रही है। बाकी यहाँ का माहौल अच्छा लग रहा है, उतना भी नहीं जितना इसने बताया था, बट अच्छा ही है। और एक और बात गाइस, मुझे ऐसा एक कुछ दिखाई दे रहा है, मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ, रुको जो कि काफी इंटरेस्टिंग। एक मिनट, उससे पहले कुछ और दिखाई दे रहा है। ओ भाई गाइस यहाँ पे ये बीच है और बीच पे बेड रखा है, लाइक लिटरली बेड है, जो कि भीग रहा है वो बात अलग है। बट हाँ जो मैं आपको दिखाया रहा था वो ये है। ये देखो ये इतना बड़ा डीजे सिस्टम है, ये खाली पड़ा है। गाइस देखो कल अपने को मालदीव सुबह उठ के निकलना है, ठीक है, लेकिन आज की रात मालदीव जाने के सेलिब्रेशन में निकालते है ना भाई। ये ऑन नहीं है अभी, इसे ऑन करते है, रुको एक मिनट, अभी ऑन हुआ है। ओ भाई ये देखो गाइस, आपको दिखाई दे रहा है ये सारी लाइट वाइट जल रही है। गाइस इसमें ना मैं गाने बजाता हूँ, इन लोगों को छोड़ो मैं इस पे एक आध गाने बजाता हूँ। तो क्या तुम सब तैयार हो? वेल कोई आवाज नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई ज्यादा लोग है नहीं, बट थोड़ी देर में आ जाएंगे। लेट्स गो। ओके ओके ठीक है। हो भाई आने लग गए, लोग आने लग गए। ठीक है। बाप रे कल रात तो कुछ ज्यादा ही पार्टी हो गई भाई, इतने लेट सोए और इतने जल्दी उठे, अभी तक मेरा सर घूम रहा है। आपका गाड़ी भी घूम रहा है मास्टर, ठोक मत देना। अरे हाँ वेल यही पे तो था ना अपना हेलीपैड। गाइस मैं कंफ्यूज हो गया भाई, इतना बड़ा आइलैंड है, इधर उधर कब से घूम रहे, अपना हेलीपैड कहाँ गया? अरे भाई चलाते रहो मिल जाएगा। भाई इतना कितना चलाते रहो? ओ भाई वो देखो नीचे पे भी पानी है। ओके गाइस ये एक्चुअली में बीच आइलैंड, ओ वो रहा बीच और आइलैंड का मिक्स है अपना। ये रहा हेलीकॉप्टर, यहाँ से निकलने वाले अपन। मास्टर मैं इस जगह को मिस करूंगा। हाँ भाई मैं भी, और कल रात की पार्टी कितनी क्रेजी थी। हेलो गुड मॉर्निंग सर, आपकी पार्टी कैसी रही? लोग बता रहे थे कि आपने पार्टी में 4 चांद लगा दिए। अरे आप अपन जहाँ घुस जाते हैं आपको पता है ना। अरे फिर से चालू मत हो भाई, अपनी तारीफ पे तारीफ करते हो। ओके सर चलिए हम मालदीव्स के लिए निकलते हैं। फाइनली हम मालदीव्स जाएंगे। वैसे यहाँ जो जो कर लिए वहाँ भी वो ही होना है, चलो चलते। वेल वैसे एक बात बताइए कि हमें कितना समय लग सकता है? सर ये हमारा थोड़ा लंबा सफर है, थोड़ा समय तो लगेगा। अरे जितना भी लगे भैया। चलिए सब बैठ गए ना? हम बैठ गए हैं। भाई चौप देख के नीचे मत गिर जाइयो। अरे मैं नहीं नीचे गिरूंगा, ज्यादा हुआ तो हेलीकॉप्टर नीचे गिरेगी। अच्छा ठीक है भाई ठीक है। गाइस पता नहीं चौप अपने आप को बहुत बड़ा हीरो क्यों समझता है। अरे क्यों समझता है क्या? चौप हीरो है इसलिए हीरो समझता है। अरे भाई ठीक है मेरे मालदीव्स के मनोरंजन के लीड हीरो, अब थोड़ा शांत बैठ। गाइस फिर एक काफी लंबे सफर के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं रात से सुबह, सुबह से दिन, लेकिन हमारा जो सफर था वो इस बार काफी लंबा होता है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम लोग अपना सफर बिताते रहते हैं, धीरे धीरे समय कटता रहता है, हम आगे चलते रहते हैं, हम चलते रहते हैं। अरे बस करो भाई अब रुक नहीं जाते क्या? अब रुकने वाले। ओके तो अपन फाइनली पहुंच चुके मास्टर, क्या हम सच में पहुंच गए हैं? हाँ भाई सच में पहुंच गए, अब तुम लोग उतर सकते हो। ओ भाई एक मिनट, वेल काफी सुंदर सी जगह लग रही है। सर अभी हमारा ये आइलैंड नहीं है, आइलैंड हमारा वो जो पत्थर है उसके जस्ट पीछे पड़ता है, लेकिन अभी हमने आपने जो हमें तैयारी करके रखने बोली थी वो तैयारी करके रख दी है, ठीक है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं और अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। एक मिनट तैयारी, कैसी तैयारी? अरे सर आपने नहीं, ये वाले सर ने। एक मिनट ये वाले सर, ये कोई सर है? अरे भाई हमसे बड़ा कौन है सर। ठीक है भाई, ऐसी क्या तैयारी है तेरा, हम भी तो देखे। ये पल्ले नहीं पड़ेगी मास्टर आपके, मुझे देखने दो, ये है मेरी और निर्मा की शादी की तैयारी। गाइस मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मालदीव में शादी करने का मेरा बड़ा मन था और फाइनली हम आ गए, अब मेरी शादी होगी। ये देखो, अरे वाह कितना सुंदर सजाया गया है, बाप रे बाप, यहाँ पे मैं और निर्मा बढ़िया से चढ़ के शादी करेंगे और मास्टर हमें आशीर्वाद देंगे। निर्मा चलो अब आ जाओ भाई, इतना शर्मा मत। अरे वही तो निर्मा, चल आ जा मेरे पीछे पीछे, मैं तुझे छोड़ के रहता हूँ। निर्मा खुद से आ जाएगी, उसे लाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे चुप, मैं तो बस तेरे लिए ही बोल रहा था, चल ठीक है उसे आने दे। वेल चौप और उसके ड्रामे, बट ठीक है उसका इतना मन था, उसका सपना था, पूरा करने देते हैं अपन। तुम लोग अभी मत आ, पहले उसे अकेले आने दो, बेचारे इतना धीरे धीरे आ रही है। अच्छा ठीक है भाई। अरे बाप रे बाप, गाइस मैं तो उसे ऐसे देखते हुए इमोशनल ही हो जा रहा हूँ यार।
Well guys, अब लगता है कि अब हमें चुपचाप आराम से शांति से इन दोनों की मतलब इतने सालों से इसकी ख्वाहिश थी कि मॉल्स में जाके शादी करूंगा, तो इसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं और चुपचाप इनकी शादी अटेंड कर लेते हैं अपन। और ज्यादा गेस्ट तो है नहीं अपने पास। किसने कहा, एक इशारा करूँ तो पूरी भीड़ लग जाएगी। ओ ऐसा है क्या चौप, तो इशारा मत कर भाई, नहीं भीड़ लगाना इधर पे, शांति से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अच्छा ठीक है भाई, बस समय आ ही गया है निर्मा, अब तुम अपने दिल की बात मुझे कह सकते हो। क्या बोल रहे हो, बाप रे बाप, ये बोलती है कि इसे मैं नहीं पसंद, कोई और पसंद है। बाप रे, ये क्या चल रहा है। इट वॉज अ प्रैंक कहती है। अरे भाई ये कोई प्रैंक करने की जगह है। अरे हाँ चौप, तो तूने जो अपने प्यारे प्यारे शब्दों से निर्मा के लिए एक गीत लिखा था, तेरे को याद है, तू बोला था कि मैं इस दिन सुनाऊंगा। अरे हाँ हाँ, ये वही वाला गीत है भाई जो हमने मालदीव्स के लिए बनाया था। अच्छा वो वाला, ठीक है, तो तू एक बार गा के सुना दे, मतलब निर्मा भी तो खुश होए। मालदीव्स मालदीव्स पहुंच गए हम मालदीव्स, मुझे मालदीव्स आना था, शादी करके दिखाना था, हमने मालदीव्स की उड़ान भर ली है और भैया शादी भी हमने कर ली है, सारी ख्वाहिश हो गई पूरी, बस निर्मा है मीठी छुरी। मालदीव्स मालदीव्स हम आ गए मालदीव्स, इस सीरीज का नाम है मालदीव्स के मनोरंजन। मनोरंजन का तो नहीं पता, लेकिन हमने किया है बहुत ज्यादा परिश्रम, कभी भूखे भी सोए, कभी सूखे भी सोए, कभी पैदल भी चले, कभी उड़कर भी पले, कभी डांट भी खाया, फिर भी मालदीव से हमने मन नहीं हटाया। मालदीव्स मालदीव्स जाना है हमको मालदीव्स, अब ये सीरीज हो गई है खत्म, हमारा ये है आखिर कदम, सपोर्ट के लिए धन्यवाद, सब खत्म होता है विद अ ग्रैंड पार। आखिरी बार सब मेरे साथ बोलो, मालदीव्स मालदीव्स जाना है हमको मालदीव्स। वेल गाइस, मुझे अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसके गाने ने सब कुछ सम अप कर दिया है। बाकी अपनी अली सीरीज पसंद आई तो लाइक करो, और ऐसी ही सीरीज और आएंगी इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। गाइस क्या पता कौन सा वीडियो किस सीरीज का आखिरी निकले, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।